कुशीनगर जिला उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक जिला है। नेशनल हाईवे संख्या 28 के किनारे पर स्थित कुशीनगर जिला मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर से 53 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, कुशीनगर के इतिहास पर नजर डाले तो ऐसा पता चलता है कि कुशीनगर की इतिहास जो है वो अत्यंत प्राचीन व गौरवशाली है। इन तमाम योग्यताओं के साथ साथ कुशीनगर एक खूबसूरत अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल भी है। इसकी खूबसूरती का अंदाजा आप विश्वास से लगा सकते हैं कि कुशीनगर में ही भगवान महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। प्राचीन समय में यह नगर मल वंश की राजधानी तथा 16 महाजनपदों में से एक था। चीनी यात्री हेनशांग व फयान की अत्रव रीतियों में इस प्राचीन शहर का उल्लेख किया गया है। कुशीनगर में कई देशों के सुंदर बौद्ध मंदिर स्थित है। यही कारण है कि दुनिया भर से बौद्ध धर्म के तीर्थयात्री कुशीनगर में भ्रमण करने के लिए आते हैं। लगभग 2900 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले कुशीनगर जिला की जो कुल आबादी है वो 35,64,000 है। इस 35,64,000 में 18,18,000 पुरुष तथा 17,96,000 महिलाएं मौजूद है। आज के समय में कुशीनगर जिला 6 तहसीलों में बटा हुआ है, जिसमें कस्या, पडरौना, हाटा, तमकुहिराज, खड्डा और कप्तानगंज तहसील मौजूद है। इसके अलावा जिले में 14 ब्लॉक, 19 पुलिस स्टेशन तथा 1620 गांव जो है वो मौजूद है। दोस्तों, आजादी के बाद कुशीनगर देवरिया जिले में शामिल था। बाद में इस क्षेत्र को पडरौना जिला घोषित किया गया। उसके बाद 13 मई 1994 को उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने जिले का नाम कुशीनगर रखा, परंतु आज भी जिले का जो मुख्यालय है वो पडरौना शहर में मौजूद है, जिसे रविंद्र नगर धूष कहते हैं। कुशीनगर जिला के मुख्य नदी का नाम गंडक नदी, बांशी नदी व घाघी नदी है। गंडक नदी के किनारे पर बसा कुशीनगर जिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 323 किलोमीटर तथा देश की राजधानी यानी कि नई दिल्ली से 875 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, कुशीनगर जिला अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इस जिले में कई ऐसे घूमने के स्थान है जहाँ पर दूर दूर से जो पर्यटक है वो कुशीनगर में घूमने के लिए आते हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन सा खास घूमने का स्थान है जो कि कुशीनगर जिला में मौजूद है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नंबर 1, महापरिनिर्वाण मंदिर। दोस्तों, कुशीनगर में स्थित महापरिनिर्वाण मंदिर पूरे दुनिया में स्थित बौद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के अंदर भगवान गौतम बुद्ध की 6.1 मीटर की लेटी हुई प्रतिमा मौजूद है। यह प्रतिमा उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया था। भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इस मंदिर के बाहर लिखे अभिलेखों से पता चलता है कि 5वीं शताब्दी में गुप्त काल के दौरान हरिबाला नामक बौद्ध भिक्षु ने इस प्रतिमा को मथुरा से लेकर कुशीनगर आए थे। इस मंदिर में स्थानीय लोगों के साथ साथ विदेशी पर्यटकों की जो भीड़ है वो उमड़ी रहती है। दोस्तों, अगर आप कुशीनगर आ रहे हैं तो महापरिनिर्वाण मंदिर घूमना ना भूलिएगा। नंबर 2, गोल्डन टेम्पल। दोस्तों, महापरिनिर्वाण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है विशालकाय गोल्डन टेम्पल। ये बहुत ही खूबसूरत है। यह टेम्पल अपनी लंबाई की वजह से नेशनल हाईवे संख्या 28 से ही दिखाई देता है। यह टेम्पल पीले कलर से रंगा हुआ है और इस मंदिर के परिसर में अनेक बौद्ध भिक्षुओं की प्रतिमा बनी हुई है जो कि परिक्रमा करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। गोल्डन टेम्पल भी यहाँ के मुख्य पर्यटक स्थलों में से एक है। नंबर 3, रामाभार स्तूप। दोस्तों, 15 मीटर ऊंचा यह स्तूप महापरिनिर्वाण मंदिर से 1 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। यह स्तूप उसी स्थान पर बनाया गया है जहाँ पर संभव 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। प्राचीन बौद्ध लेखों से इस स्तूप को वो मुकुटबंध चैत्य का नाम दिया गया है। कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में अपने पार्थिव शरीर को त्याग दिया था तब कुशीनगर के क्षेत्र पर शासन करने वाले मल्ल शासकों ने इस स्तूप का निर्माण कराया था। रामाभार स्तूप जो है वह एक खूबसूरत स्तूप है। नंबर 4, कुशीनगर नौका विहार। दोस्तों, रामाभार स्तूप के बगल में स्थित है कुशीनगर नौका विहार। हिरावती नदी के तट पर बनाया गया है। इस नौका विहार को बनाए हुए कुछ ही समय हुए हैं, लेकिन यहाँ का जो है नौका विहार वो यहाँ के मुख्य पर्यटक स्थलों में से अपना विशेष नाम स्थान दर्ज कर लिया है।
यहाँ पर बना आई लव कुशीनगर वाला सेल्फी पॉइंट पर्यटकों को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसके सामने फोटो क्लिक कर सोशल मीडिया पर डालने पर यहाँ के जो लोग हैं वो काफी अपने आप को खूबसूरती के साथ महसूस करते हैं। दोस्तों, नौका बिहार में जो है वो बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है, परंतु गर्मियों के मौसम में पानी जो है वो सूख जाता है, जिसके कारण जो है बोटिंग में जो है वो दुविधा उत्पन्न हो जाती है। नंबर 5, बौद्ध संग्रहालय। कुशीनगर में खुदाई से प्राप्त अनेक अनमोल वस्तुएं इस संग्रहालय में रखी गई हैं। यह संग्रहालय महापरिनिर्वाण मंदिर से 6 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर खुदाई से मिली अनेक मूर्तियां वस्तुओं को इस संग्रहालय में देखा जा सकता है। संग्रहालय में जाने के लिए आपको 3 रुपए का टिकट कटाना पड़ेगा। ये संग्रहालय जो है वो काफी खूबसूरती के साथ भी बनाया गया है। नंबर 6, माथा कुंवर मंदिर। दोस्तों, यह मंदिर कुशीनगर मुख्य द्वार से 500 मीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में स्थित है। इस स्थान से भगवान गौतम बुद्ध की तपस्या करती हुई प्रतिमा की प्राप्ति हुई है। यहाँ पर लिखे अभिलेखों से पता चला है कि इस प्रतिमा का संबंध जो है वो 11वीं व 12वीं सदी से है, लेकिन आज के समय में इस मंदिर का अस्तित्व जो है वो समाप्त होने के कगार पर है। बरसात के मौसम में यहाँ पर पानी जम जाता है, हालांकि अब काफी हद तक जो है वो इसमें सुधार हुआ है। दोस्तों, इसके अलावा कुशीनगर जिला में और भी कई सारे खूबसूरत पर्यटक स्थल है, जिसकी व्याख्या एक वीडियो में करना संभव नहीं है। अगर यातायात की बात करें तो कुशीनगर जिला जो है वो सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, यानी कि तीनों मार्गों से जो है वो अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। नंबर 1, सड़क मार्ग। दोस्तों, कुशीनगर जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 28 गुजरती है, जो कि बिहार के बरौनी से चलकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक जाती है। इसके अलावा इस जिले में कई छोटे बड़े बाईपास सड़क मौजूद है, जिसके माध्यम से यहाँ के जो लोग हैं वो और भी बड़े शहरों में जा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा कुशीनगर जिला में जो है वो बस के माध्यम से भी पड़ोसी जिला में पहुंचा जा सकता है। यहाँ का कस्या बस स्टेशन जो कि हाल ही में निर्मित किया गया है, इसको बनाने में जो है वो 4 करोड़ रुपए की लागत बनी है, लेकिन आज के समय में कस्या बस अड्डा जो है वो काफी खूबसूरती के साथ दिखाई दे रहा है। यहाँ से आपको गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर जैसे आदि शहरों के लिए जो है वो नियमित बस सेवा संचालित की जाती है। इसके माध्यम से आप इन शहरों में जा सकते हैं। नंबर 2, रेल मार्ग। दोस्तों, कुशीनगर जिला में वैसे तो कई छोटे बड़े रेलवे स्टेशन है, जैसे कि पररावणा रेलवे स्टेशन, खड्डा रेलवे स्टेशन, तमकुहीराज रेलवे स्टेशन, परंतु यहाँ का जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो गोरखपुर जंक्शन है, जो कि यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गोरखपुर जंक्शन कुशीनगर वासियों के लिए एक प्रमुख बड़ा स्टेशन है, हालांकि कुशीनगर में कोई बड़ा स्टेशन नहीं है। गोरखपुर से लोग रेलगाड़ी से दूसरे शहरों में जाते रहते हैं। नंबर 3, हवाई मार्ग। दोस्तों, कुशीनगर से जो है वो 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका उद्घाटन पिछले वर्ष जो है वो 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इस एयरपोर्ट से जो है वो दिल्ली के लिए जो है वो नियमित फ्लाइटें उपलब्ध है। आने वाले समय में जो है, चूंकि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो जितने भी गल्फ कंट्री है इन सबके साथ जो है कुशीनगर जुड़ेगा। इसके अलावा जितने भी बौद्धिस्ट कंट्री है, चाहे वो थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, बर्मा हो गया, इन सभी देशों के साथ जो है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जुड़ेगा, जिसके माध्यम से कुशीनगर को जो है पर्यटन में काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी हम नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।